अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, हम आप हज़रात की खिदमत में अपना मौजू सुखन लेकर के फिर हाजिर हुए हैं। और इससे पहली नशिस्त में हमने खब्बाब बिन अरक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मशहूर सहाबी हैं, उनके मुतालिक मैंने इशारतन बड़े इख्तिशार के साथ एक बात बयान की थी, वो ये कि खब्बाब बिन अरक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब जिहाद पर चले गए तो उनके घर का सारा काम नबी अलैहिस्सलाम बताते, खुद देखते थे। हदीस मुकम्मल करने के पहले पहले जो वाक़ा हो तो अपनी जगह पर है, हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में बताना चाहते हैं, ताकि हमारे नाज़रीन खब्बाब बिन अरत को भी पहचान लें और उनकी बेटी जो वाक़ा बयान करती वो भी समझ में आ जाएँ। और खब्बाब बिन अरत के अंदर क्या वो खूबी थी, क्या कमाल था कि नबी अलैहिस्सलाम बताते खुद उनके घर का सारा काम संभाले हुए थे। इस नुक्ते पर थोड़ी सी गुफ्तगू हम करना चाहते हैं। तो नाज़रीन आइए देखें, खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह तआला हो, ये कहीं बाहर के रहने वाले थे और मक्के में आकर के अकेले आबाद हो गए थे, मक्के के असल बाशिंदे नहीं थे। और यहाँ मक्के में आने के बाद इन्होंने लोहार का पेशा अपनाया और ये लोहे के सारे सामान, छुरी, चाकू और किसानी के काम में कुल्हाड़ी वगैरह जितनी ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, ये बनाया करते थे। बेहतरीन किस्म के हद्दात थे, जिसको लोहार कहा जाता है ज़ात के एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह, जब नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने फौरन इस्लाम को कबूल कर लिया, इसीलिए इनका शुमार अस्साबिकून अल-अव्वलून में से है। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया, तो सारे कुफार मक्का इनके दुश्मन हो गए। इनका कोई रिश्ता नाता, कोई कराबतदार था ही नहीं वहाँ कि इनके काम आए। कुफार मक्का ने बेयार और मददगार, बेसहारा इनको पाया। और पेशे के एतबार से भी सोसाइटी और समाज में, मुआशरे में छोटे थे, लोहार का पेशा था, इसीलिए कलमा पढ़ने के बाद कुफार मक्का इनको गिरफ्तार किए और गिरफ्तार करने के बाद इनकी पिटाई मारपीट शुरू किया। कहते हैं कि अल्लाह की कसम, इतने बड़े मक्के में कोई एक इंसान भी नहीं था जो कुफार मक्का को आकर के पूछे या उनको कहे कि अल्लाह के बंदो इसको क्यों मार रहे हो, छोड़ दो, मैं अकेला ही सारी तकलीफ बर्दाश्त करता था। कुफार मक्का हमको ईमान से बात रहने के लिए, कुफर की तरफ दोबारा वापस लाने के लिए आग जलाते। जब आग का अंगारा खूब जल करके तैयार हो जाता तो कहते हैं उसी आग के अंगारे पर हमको ये कुफार मक्का लिटा देते और सीने पर एक लंबी से लकड़ी रख करके दबा के बैठ जाते दोनों तरफ से, ताकि मैं करवट ना बदल सकूँ। कहते अल्लाह की कसम, नीचे आग का अंगारा, सीने पर लकड़ी रख करके दोनों तरफ से काफिरों ने दबा रखा है और मैं परेशान रहता, तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतने बड़े मक्के में कोई एक इंसान नहीं है जो आकर के हमारी मदद करे और कहे कि लोगों तुम इस बेचारे को क्यों इस तरह से आग के अंगारे पर लिटाए हुए हो। कहते हैं बारहा कुफार मक्का ने हमारे साथ ऐसे ही किया। कहते हैं अल्लाह की कसम, मेरे बदन की चर्बियाँ जब पिघल पिघल करके आग के अंगारे पर गिरती थी, तब आग का अंगारा थोड़ा सा मुरझा जाता, तब मुझे थोड़ी सी राहत मिलती थी। कहते हैं इसी हालत में हमारी तवील कई साल गुजर गए। कहते हैं एक दिन मैं कुफार मक्का से नजात पाया, खाने काबा की तरफ जा रहा था, खाने काबा की दीवार के साये में नबी अलैहिस्सलाम अकेले बैठे हुए थे, कोई दूसरा वहाँ आपके साथ नहीं था। मैं आपके पास गया और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये हमारी पीठ देखिए, काफिरों ने किस तरह से हमें आग के अंगारे पर लेटा लेटा करके तबाह कर रखा है, ख़त्म कर दिया है हमको। अल्लाह तदउल्लाह लना, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, ईमान तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अल्लाह से आप दुआ तो कर सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कराने की अपील की, या रसूल अल्लाह अला तदउल्लाह लना, क्या आप अल्लाह ताला से दुआ कर देंगे कि अल्लाह ताला इन काफिरों की मुसीबत से हमें नजात दे। या रसूल अल्लाह अला तस्तनसिर लना, आप अल्लाह ताला से इतनी तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह अब हमारी मदद करें।
कहते मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात गौर से सुनी, फिर हमारी तरह मुतवज्जे हुए। आरबन में खब्बाब सब्र करो, अभी सब्र का वक्त ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये सब्र करो और इत्मीनान रखो, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा और ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले अगर कोई शख्स मुसलमान होता था, अल्लाह ताला अंबिया भेजते, दुनिया में नबी और पैगंबर आते, अपनी कौम को ईमान इस्लाम की दावत देते, और जब उनकी दावत कोई कबूल करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता, मुसलमान हो जाता, तो कुफार मक्का एक गड्ढा खोदते थे, उस नौ मुस्लिम को, उस कलमा पढ़ने वाले को गिरफ्तार कर दे और एक गड्ढा खोदते, और गड्ढा खोदने के बाद उसके घुटनों तक उसको ज़मीन पर गाड़ देते थे, और फिर उसके बाद लकड़ी चीरने वाला आरा लाया जाता, मिनशार कहते हैं, और उस मिनशार को, आरे को उसके सर पर रखा जाता। खब्बाब, तुमको तो आग के अंगारे पर लेता रह जा रहा है और तुम अभी तक जिंदा हो, सबर करो, सबर का वक्त है, मदद अल्लाह करेगा, दुआ भी करेंगे, वक्त आएगा, लेकिन तुमसे पहले जो मुसलमान होते थे उनसे ही बरत व नसीहत हासिल करो। जमीन पर गाड़ दिया गया और लकड़ी चीरने वाला आरा उसके सर पर रखा गया। दो आदमी सामने पकड़ के खड़े हो गए, दो आदमी पीछे पकड़ के खड़े हो गए, और उस वक्त का जालिम आता और कहता, ऐ मुसलमान याद रख, तुमने बाप दादा के दीन को छोड़ करके ये नया दीन इस्लाम कबूल कर लिया है, आज तेरे सर पर आरा रख दिया गया है, और आरा खींचने के लिए आगे पीछे दोनों तरफ से दो दो आदमी पकड़ चुके हैं, अब आखिरी बार तुम्हें वार्निंग देते हैं, भाग नहीं सकता, आखिरी तंबीह करते हैं, अगर अब भी तुम इस्लाम से बाज आ जाओ तो वाकई हम छोड़ देते हैं, और अगर अब भी तुम ईमान इस्लाम पर डटे हो तो आरा चला करके दो टुकड़े तुम्हें कर दिया जाएगा, और यही जमीन पर गड़े गड़े आधी लाश तुम्हारी इधर गिरेगी, आधी लाश इधर गिर जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खब्बाब जरा सब्र करो, इबरत और नसीहत हासिल करो। वो मर्द मोमिन कहता, अल्लाह की कसम ईमान सीने और दिल से नहीं निकल सकता, जबान से हम तौहीद का इकरार करते रहेंगे, कुफार उसको आरा चला करके चीड़ करके दो टुकड़े कर जाते, लेकिन इस्लाम से बात नहीं आता था। खब्बाब थोड़ा सा सब्र करो, दुआ भी करेंगे और अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हजरत खब्बाब कहते हैं, फिर मैं वापस आ गया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने गलबाता किया, मुसीबत दूर हुई, हिजरत करके मदीने तैयबा में भी आ गया, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना गया, सिद्दीक अकबर का भी जमाना गया, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब दौर खिलाफत आया तो उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ दीवार से टेक लगा करके, उस वक्त कोई दीवान तो होता नहीं था, दीवान हाउस एक मस्जिद या कहीं अपने घर में बड़ी सी मजलिस बना रखी थी, वहीं उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से मिलने के लिए अपने दौर खिलाफत में बैठते, सारे लोग आते, वहीं फैसला होता, लेकिन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपना जहाँ बैठते थे बाजू में एक छोटी से चटाई रख दी थी और एक तकिया पीछे रख दिया था, और उस पर कोई नहीं बैठता था, सिर्फ हजरत बिलाल बैठा करते थे। खब्बाब बिन अरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमेशा वहाँ बिलाल बैठे रहते थे उमर फारूक के बाजू में, लेकिन एक दिन मैं आया और बिलाल नहीं पहुँचे थे, मैं उस जगह पर जाकर के बैठ गया, जगह खाली थी, उमर फारूक ने फौरन मेरा हाथ पकड़ा, उठा करके खड़ा कर दिया और कहा, खब्बाब उठ जाओ, इस जगह पर सिवाय बिलाल के और किसी को हम बैठने नहीं देते। खब्बाब कहते हैं, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन लिमाज़ा, बिलाल ही क्यों बैठ सकते हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता। कहा, बिलाल वो इंसान है, वो मर्द मोमिन है, गुलाम था, मक्के में जब मुसलमान हुआ तो कुफार मक्का उसके कपड़े को निकालते और तपते हुए पथरीली जमीन पर हाथ बांध करके पीठ के बल उसको घसीटते और कहते, लात और उज्जा की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत से बाद आओ। लेकिन खब्बाब बिलाल इतना इस्तिकामत और हिम्मत वाला निकला कि अहद अहद एक ही अल्लाह की हम इबादत करते हैं, यही कहता। कुफार मक्का तकलीफ देते देते थक गए, लेकिन बिलाल अपनी जगह से बात नहीं आया। कहा, अमीरुल मोमिनीन, बिलाल अपने इसी ईज़ा जो ईमान और इस्लाम के लाने की बिना पर जो तकलीफ़ उठाई है, इसीलिए बिलाल इसका मुस्तहिक है। कहा कि हाँ। कहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अमीरुल मोमिनीन,
वल्लाही हम अल्लाह की कसम खाते हैं, बिलाल अगर यही वजह है तो बिलाल से ज़्यादा मैं इस जगह का मुस्तहिक हूँ। उमर ने कहा क्यों, तुम क्यों मुस्तहिक हो सकते हो, बिलाल से ज़्यादा तकलीफ़ कौन उठाया? उमर फारूक भूल गए थे। हज़रत खब्बाब कहते हैं मैं आगे बढ़ा और खड़ा हुआ और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ पीठ करके अपनी पीछे से कमीज उठा दी। जब कमीज उठाया और मेरी पीठ जली हुई बिल्कुल चिकनी देखी, उमर फारूक बहुत जोर से चीख उठे, अरे ये क्या है? अब दोबारा खब्बाब बिन अरद कहते मैं उमर फारूक की तरफ रुक किया। मैंने कहा कि ए उमर अमीरुल मोमिनीन, बिलाल को तो तपते जमीन पर लिटाया जाता था और हम जब मुसलमान हुए तो हमें आग के अंगारे पर जलाया जाता है। वो आग के अंगारे पर जलने की वजह से मेरी पीठ हो है जिसको देख करके आप चीख उठे हैं। हजरत उमर फारूक उठे, हजरत खब्बाब की पेशानी की बोसा दिया और अपने हाथों से ला करके उस तकिए और बिस्तर पर बैठाया, कहा कि वाकई बिलाल से ज्यादा तुम मुस्तहिक हो। मेरे भाइयों, ये है खब्बाब बिन अरद रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो ईमान के खातिर इस्लाम लाने पर इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह ताला से दुआ करो कि हम सबको ऐसी इस्तकामत नसीब फरमाए। दीन की राह में तकलीफ आती है लेकिन मुसीबत दूर होती है, सब्र की जरूरत होती है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों को साथ देता है। ये खब्बाब बिन अरद के कारनामे थे जिसकी बिना पर नबी अलैहिस्सलाम इनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि इनकी बेटी कहती है जब हमारे वालिद जिहाद पर चले गए, हमारे घर में कोई मर्द न रहा तो रहमतुल्लिल आलमीन रोजाना जिस दिन से मेरे वालिद गए उसी दिन से हमारे घर तशरीफ लाते, पानी भर के ला के देते, कूड़ा कचरा हम लोग घर की सफाई सुथराई करके बाहर रख देती, नबी अलैहिस्सलाम उसको उठा करके फेंकते थे, मवेशी को पानी पिलाते थे। अल्लाह की कसम कहती है इस कदर नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर का काम संभाल लिए थे, हमारी इस कदर मदद कर रहे थे कि चारा लाते और हमारे जानवरों को चारा और पानी भी दे देते थे। कहती हैं कि हद ये हो गई कि अरबों में औरतें जा करके गाय का भैंस का या बकरी का दूध निकाले ये ऐब समझा जाता थे, मर्दों का काम था, औरतों का काम नहीं था दूध निकालना। तो नबी अलैहिस्सलाम सुबह शाम दूध निकालने के लिए भी हमारे घर आ जाते थे। कहते हैं मुझे मेरी बहनों मेरी माँ को कोई काम करना ही नहीं पड़ा जब तक हमारे वालिद पलट करके नहीं आए, सुबह शाम हमारे जानवरों का दूध निकालने के लिए भी नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर आ जाते। लेकिन हुआ बड़ा कमाल, इनकी बेटी कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम जिस दिन दूध निकालने के लिए बर्तन मंगाए तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक बर्तन ला करके दे दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध निकालने लगे। बकरी का दूध अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से बर्तन में निकालते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बर्तन भर गया, दूध बाहर गिरने लगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरा बर्तन मंगाया, वो भी भर गया। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम बराबर दूध निकालते रहे यहाँ तक कि बर्तन भर जाता था, दूध जो है बर्तन से बाहर नीचे गिरने लगता था तो दूसरे बर्तन को ला करके देते। इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने जब तक हमारे वालिद नहीं आए हमारे घर को संभाला और हमारी मदद की। नाज़रीन कितने इबरत का मामला है कि रहमतुल्लिल आलमीन इते सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदुल इंस वल जिन हो करके अपने एक उम्मती के घर का काम जाकर कर रहे हैं। कहती हैं बराबर ऐसे ही दूध हमारी बकरियां देती रहीं यहाँ तक कि हमारे वालिद वापस आ गए जिहाद से। वालिद साहब ने पूछा तो हम लोगों ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लम हमारे घर का पूरा काम संभाल रखे थे। कहती हैं जब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा खब्बाब आ गए हैं तो आप आना बंद कर दिए। अब वही बकरियाँ जिनका दूध नबी अलैहिस्सलाम निकालते थे तो बर्तन के बर्तन भर जाते, ज़मीन पर गिरने लगता। हमारे वालिद जब दोबारा आए और बकरियों का दूध निकालने के लिए गए तो कहते हैं वही पुराने अंदाज का थोड़ा सा दूध निकलता था, बाकी जितना नबी अलैहिस्सलाम के निकालने पर बकरियों को दूध निकलता था कभी उतना दूध निकला ही नहीं। ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था और नबी अलैहिस्सलाम की बरकत थी। नबी अलैहिस्सलाम के अलावा भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं नाज़रीन, इबरत और नसीहत के लिए हमें चाहिए कि उस हदीस पर गौर करें
या सोचें कि नबी रहस्यम कौन सी रगबत हमको दिला रहे, कौन सी तरगीब की बात फरमा रहे हैं, क्या है? वल्लाहु फी औनि अल-अब्द मा कान अल-अब्द फी औनि अखी। ऐ लोगो, अल्लाह के बंदों की मदद किया करो, अल्लाह के बंदों का साथ दिया करो। वल्लाहु फी औनि अल-अब्द, जब तक बंदा बंदे की मदद करता रहता है उस वक्त तक अल्लाह ताला बंदे की खुद मदद करता है। अल्लाह की नुसरत और मदद आपके साथ हो, कितनी खैर बरकत की चीज है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखें, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा बने नबी रहस्यम के वफात के बाद। जिस दिन खलीफा का बनने का ऐलान हुआ कि आज अबू बकर सिद्दीक खलीफा बना लिए गए, सारे मदीने तैयबा के लोगों ने बैत कर लिया। पचासों घर मदीने तैयबा में ऐसी थी जहां मातम का समा छा गया। अफसोस, गमजदा, कहीं अंधी औरत रो रही है, कहीं लंगड़ी औरत रो रही है, कहीं एक अपाहिज लंगड़ा इंसान जो चलने फिरने से माजूर है, मुकईद है, वो परेशान हाल है, कहीं एक बेवा औरत अपने चंद बच्चों को लेकर पड़ी हुई है। लोगों को पता चला, बहुत सारे लोग बड़े अफसोस में हैं। बुला करके पूछा गया, लोग गए, क्या बात है, क्यों? कहा कि सबसे बड़ी मुसीबत एक, अबू बकर को तुम लोगों ने खलीफा बना दिया। लोगों ने कहा, अल्लाह के बंदे, उनके अलावा खलीफा बनने का मुस्तहिक कौन है? कहा, खलीफा तो तुम लोगों ने बना दिया, लेकिन अब हमारे घर का काम कौन करेगा? खलीफा बन जाने के बाद लोगों को पता चला कि सिद्दीक अकबर रात रात भर गैरों के घर का काम करता था। आज इसकी नजीर नहीं पेश की जा सकती। वल्लाहु फी औनि अल-अब्द मा कान अल-अब्द फी औनि अखी। अबू बकर चाहते थे कि अल्लाह हर वक्त हमारी मदद करे। दसियों नहीं, पचासों घरों का ये मंदिर है। दूसरे घर में लोग जाकर के पूछे, क्या बात है, तुमको क्या तकलीफ है? अंधी औरत बैठी हुई है। मैंने सुना है कि आज महीनों नहीं सालों हो गए एक आदमी आता है, मैं तो अंधी हूँ, आंखों से देख नहीं सकती। एक शख्स आता है, पड़ोसियों ने बताया, सलाम करता है, हमारे घर में दाखिल होता है, सबसे पहले तो हमारा चूल्हा साफ करता है, घर में झाड़ू लगाता है, कूड़े करकट उठाता है, ले जाकर के फेंकता है, फिर आग चला करके कुछ हमारे नाश्ते का इंतजाम करता है, जाता है जानवरों का दूध निकालता है, दूध वगैरह निकालता है, पानी ला करके भरता है, घर का सारा काम मुकम्मल हो जाता है, तब वो चला जाता है। लोगों ने कहा, कौन? कहा, पता नहीं, एक आदमी ऐसे आता है। लोगों के पूछने से पता चला कि वो अबू बकर सिद्दीक थे जिसको तुम लोगों ने खलीफा बनाया। अब तो अबू बकर इतना बड़ा बन गया, खलीफा बन गया, तो हम जैसे अपाहिजों और माजूरों के घर का काम कौन करेगा? इस तरह से पचासों घर वालों ने बताया कि सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनके घरों में, किसी के घर में सुबह, किसी के रात में, बल्कि बहुत सारे घरों में तो फज्र के पहले ही काम करके सिद्दीक अकबर आ जाते थे। लोगों ने आकर के बताया, कहा, हमारे खलीफा अबू बकर बड़ा गजब हो गया, इतने लोग परेशान हैं। कहा, क्यों? आप उनके घर का जाके काम करते थे, उनकी मदद करते थे, और वो सारे लोग रो रहे हैं, परेशान हैं कि अबू बकर तो अब बड़ा हो गया, अब हमारे घर का काम कहाँ से चलेगा, कैसे हमारे घर का काम चलेगा? सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने कहा, तुम लोगों को पता चल गया? कहा, हाँ, सब पता चल गया, कहाँ कहाँ आप जाते थे। सिद्दीक अकबर खड़े हुए, खुतबा दिया मजमे आम में, और लोगों को सुनाया, कहा, लोगों सुन लो, तुमने हमको खलीफा बनाया है, हम खलीफा तुम्हारे हैं, तुमने बनाया है, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, खलीफा बनने के पहले पहले जो मैं काम करता रहा, दुनिया का सारा काम छोड़ सकता हूँ, लेकिन वो काम अबू बकर बंद नहीं करेगा। लोगों ने सुना, जा करके उन घर वालों को बताया, भाई अबू बकर तो अभी बड़ा हुआ लेकिन अपने आप को बड़ा नहीं समझ रहा है, अभी भी कह रहा है खलीफा बन गए हैं, लेकिन उनके घर का काम वैसे ही मैं करता रहूंगा। फिर उनके यहाँ खुशी की एक लहर दौड़ गई। नाज़रीन, ये है हमारे खलीफा, ये है अंबिया के बाद पूरे कायनात के सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़ी शख्सियत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप हज़रात जानते हैं सिद्दीक अकबर का मकाम। नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, ऐ लोगो, दुनिया में जिसने भी मेरे साथ एहसान किया, हमने हर एक के एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर के एहसान हम पर इतने ज्यादा हैं, मैं अबू बकर के एहसान का बदला नहीं दे सका।
लेकिन सिद्दीक अकबर जा रहे हैं और आगे बढ़े। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन मैं रात को कहीं से गुजर रहा था तो देखा कि रात की तारीकी में सन्नाटे में अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब चले जा रहे हैं। कहते हैं ए अबू उमर फारूक के खिलाफत का जमाना है, उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के दौर में मैंने देखा, रात का वक्त है, रात की तारीकी है, उमर फारूक बड़ी तेजी के साथ चले जा रहे हैं। मैंने एक दिन देखा, मैंने सोचा खलीफा हैं, गश्त करते होंगे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि ये किसी घर में दाखिल हो रहे हैं। अब मेरे दिलो दिमाग में बात आई, शायद कि उमर फारूक ने कोई शादी और कर रखी है, इसलिए इस घर में अपनी बीवी के पास आते हैं। कहा कि अब मुझे तजस्सुस हुआ। अब एक दिन जब देखा उस घर में घुस रहे हैं तो मैं दूर जा करके बैठ गया कि देखता हूँ कि इस घर में उनकी अगर बीवी है तो अलविदा करने के लिए इनको सुबह रवाना करने के लिए बाहर निकलेगी, जो हालात होते हैं मियाँ बीवी के उससे कुछ अंदाजा लगेगा कि इनकी बीवी है ये। कहते हैं मैंने देखा रात ही को फजर के पहले उमर फारूक इस घर से निकले, दूसरे घर में घुस गए। अबू तलहा कहते हैं मैं बड़ा परेशान कि वहाँ भी शादी की, वो भी उमर फारूक का घर है, जासूसी कर रहा था कि आज देखते हैं हमारा खलीफा कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ इसने शादियाँ कर रखी हैं। कहते हैं निकला, तीसरे घर में गया, ऐसे रात भर दूसरे घरों के अंदर वो घुस रहे थे। तो उमर फारूक जब वापस आ गए तो मैंने कहा इतनी बीवियाँ तो नहीं होगी, इतने घर तो नहीं होंगे, चार से ज़्यादा तो शादी ही जायज नहीं है, दसियों घर में कहाँ से गए। हमें कुछ शक हुआ। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते पहले घर में गया तो मैंने देखा काली कलूटी पैरों से माजूर एक बूढ़ी अकेले घर में रहती है। कहते मेरी चीख निकल गई, रो पड़ा मैं। मैंने उस बूढ़ी से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन आता है। कहती अल्लाह ने आँख नहीं दिया है, अरसा हो गया कोई आदमी फजर के पहले आता है, हमारे घरों का पूरा काम, पूरा सब कुछ, सफाई सुथराई सब कुछ करके खाने वगैरह का इंतजाम करके चला जाता है, 24 घंटे के बाद फिर आता है। अबू तलहा रो पड़े। कहते अबू तलहा उमर जैसे इंसान के पीछे तू उनकी जासूसी करता है। कहते फिर दूसरे घर में गया, वहाँ देखा ऐसे ही माजूर लोग। कहते जितने घर में गया हर एक ने कहा मैं नहीं जानता कौन आता है, लेकिन सालों गुजर गया एक शख्स आता है हमारे घर का पूरा काम करके चला जाता है। सारे घरों को जायदाद लेने के बाद अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला कहते रोते हुए मैं चला और अपने आप को मलामत कर रहा था, अबू तलहा उमर की तुम जासूसी करते हो, उमर जैसे बनने का मौका ना मिला तो उमर की जासूसी करते हो, उमर इतना अच्छा काम छुपा के करता है और तुम उसकी टोह में लगे रहते हो। कहते आया और सीधे अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया, उनसे गले मिला, रो दिया। उमर फारूक ने पूछा क्या हुआ, कहा मैंने आपके पीछे जासूसी की थी और बाद में पता चला कि रातों में आप कहाँ कहाँ जा करके कितने मजदूरों के घरों का काम करते हैं, किसी का दूध निकालते हैं, किसी के यहाँ पानी भर के आते हैं, किसी का चूल्हा साफ करते हैं, किसी का बिस्तर बिछा करके आते हैं, किसी को खाना खिला करके आते हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन शैतान ने मुझे वसवसा दिला दिया था, मैं कुछ और सोच रहा था, अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ, उमर तू ही माफ़ कर दे वरना अल्लाह ताला मेरी गिरफ्त कर लेगा। नाज़रीन ये है हमारे असलाफ, ये है अंबिया, ये है सहाबा, बहुत सारे वाक़यात इस तरह से हैं, तारीख ने सबक किया है, औराक ने महफूज किया है, मुअर्रिखीन ने इबरत और नसीहत के लिए लिखा है। ऐसी किताबों का मुतारा करें और पढ़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर अमल करें। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्द फी औन अखी, अल्लाह बंदे की मदद करता है जब तक कि बंदा बंदे की मदद करता रहे। अल्लाह ताला इस नेक अमल की हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन यहाँ ये बात मुकम्मल हुई, अब इंशाअल्लाह आइंदा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का दूसरा अमल जो नंबर 6 है, जो तरगीब की बातें हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।